100 मार्क्स एग्जाम होगा, 90 मार्क्स इज अ पासिंग मार्क्स. हाँ सही सुना, 90. चीजें अभी खत्म नहीं हुई है क्या? तुम तो नहीं मानी होगी, अभी चीजें और स्टार्ट होने वाली है. बिकॉज बिफोर गेटिंग दैट यूनिफॉर्म 90s या पासिंग मार्क्स, जहां हम स्कूल में इसको टॉपर समझते थे, 90 मार्क्स लेके आए सब्जेक्ट में, और यहाँ पे 90 मार्क्स बस पासिंग मार्क्स. सोचा था यार इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती बेटा इतना पढ़ लोगे IAS YAS बन जाओगे, क्या इस चीज में लगे हो. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड मानसी यादव विजल वंस अगेन. आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली रियली ग्रेट. सो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, एंड आई होप जिन लोगों ने जूम मीटिंग ज्वाइन करी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा. डेफिनेटली नए ज्वाइन कर रहे हैं हमारे चैनल को, बिकॉज काफी लोग दे वॉन्ट टू नो अबाउट कैबिन क्रू अ लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स. सो मैंने सोचा है कि आप लोग के लिए दोबारा से ये वीडियो लेके आने के लिए एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू, एंड इन दिस वीडियो गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बेसिक से लेके छोटी सी चीज सपना सोचने तक कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रू, से लेके आप फ्लाई करते हो यूनिफॉर्म, वो सपने तक, उस ड्रीम तक, वो पूरी जर्नी मैं आपको इसे बताने वाली हूँ. सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आप इसमें बहुत सारी चीजें लर्न करेंगी डेफिनेटली. विच यू नो हर किसी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है. एवरीबडी थिंक्स लाइक आई वॉन्ट टू यू नो फ्लाई फॉर शॉपिंग, कि मेरे को सिंगापुर से शॉपिंग करनी है, बैंकॉक से शॉपिंग करनी है. कुछ लोगों को ये हो सकता है कि आई वॉन्ट टू अर्न मोर डेफिनेटली, आई वॉन्ट टू बी यू नो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट डेफिनेटली. किसी लोग का, कुछ लोग का ये हो सकता है कि यू नो मुझे फ्लाई करना, वो यूनिफॉर्म पहनना बहुत अच्छा लगता है. स्टार्ट विद दिस, एक जो ड्रीम देखा है सोचा है लेट्स उसे पूरा करते हैं वो पूरी नॉलेज के साथ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आती है, इफ आई थिंक अबाउट बींग अ क्रू, अगर मैं सोचती हूँ कि ना आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रू, यार मेरे को मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा. सो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ, यू हैव टू थिंक अबाउट क्राइटेरिया की कैसे कैसे चीजें करनी है. टेंशन मत लो, इस वीडियो में सारी यू नो जितनी भी नॉलेज है मेरे पास मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगी, सो दैट कि आप यू नो अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर पाए. सो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बी 18 ईयर्स, बिकॉज वो आपसे चाइल्ड लेबर तो कराना नहीं चाहते. सो यू हैव टू बी 18 ईयर्स, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई. ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि मैं यू नो 17 साल में सोच लिया सपना है, 16 साल में सोच लिया, दैट्स ग्रेट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू आर थिंकिंग अबाउट इट. बट 18 साल में जॉब 18 साल में करनी है यार. ठीक है, ओके, नाउ इफ आई गो अहेड, दैट इज योर यू नो यू हैव टू बी यू नो क्लियर योर 12th करना, यू नो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और अगर आपने सोचा है कि मैं 10th में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, No, you have to clear your 12th first of all. और अगर आपने कहीं से रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से नहीं करी है तो प्लीज गो हेड एंड डू दैट. ओके, अगर हम जाते, चलो हमने 18 साल के भी हो गए, 12th भी पास कर लिया, आप चलो अब आगे बढ़ते हैं. और अब मैं जाने वाली हूँ नेक्स्ट चीज पे, दैट इज BA1. अब क्या होता है, लोग मुझसे पूछते हैं मैम ना मेरा ना वेट ना 40 है, मेरे को ना जॉब लगवा दो. मैंने बोला वेट 40-50 हम डिसाइड नहीं करते कि हमें कौन से कितना वेट है और उसके हिसाब से लग जाए जॉब, ऐसा नहीं होता. यू हैव दिस अ प्रॉपर क्राइटेरिया, दैट इज BMI. आप सोचोगे BMI किसे कहते हैं यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, चलो रिलैक्स. नाउ BMI मीन्स दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. सो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जो आपको हाइट आपके वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. नाउ आप उसको कैलकुलेट कैसे करें, आई नो इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, चल करो आई एम देयर फॉर यू. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट सो वेल, आपको बस कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो, यू हैव टू जस्ट गो ऑन YouTube पे जाना है, आपको लिखना है BMI बाय मानसी यादव, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ. नेक्स्ट थिंग, चलो भाई बॉडी मास भी हमने क्लियर कर लिया, हमारा ठीक है भाई सब सही है. नाउ इफ आई गो अहेड विद हाइट क्राइटेरिया, सो गाइज हाइट नीड्स टू बी फॉर द गर्ल्स हु आर सीइंग दिस वीडियो, ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर, फॉर द बॉयज दैट नीड्स टू बी 170 सेंटीमीटर. अब गाइज अब मुझे लोग बोलते हैं कि ना मेरा 153 है मैम, चल जाएगा ना मैम, चल जाएगा, बट यार आई एम रियली रियली सॉरी बैट, बिकॉज अगर हमारी एयरलाइंस होती तो डेफिनेटली चल जाता, बट नाउ वी हैव टू फॉलो द क्राइटेरिया प्रॉपर ऐसे. तो आई टेल यू दैट यू हैव टू फॉलो द क्राइटेरिया, दैट इज 155 टू 154 भी नहीं हो सकती है, 156 से चलेगी डेफिनेटली, 155 से नीचे नहीं हो सकती, दैट्स अ मिनिमम क्राइटेरिया. एंड ये भी बोलना चाहूंगी हर एयरलाइंस का अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, सो डेफिनेटली फॉलो दैट. ठीक है, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए. ठीक है, मैं आगे जाऊं, चलो हमने क्राइटेरिया भी, हाइट क्राइटेरिया हमारा मैच कर गए. नाउ नेक्स्ट थिंग इफ आई गो अहेड, दैट विल बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, दो लैंग्वेजेस मैंडेटरी है इंडिया के अंदर, दैट नीड्स टू बी इंग्लिश एंड हिंदी, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट. सो गाइज अगर आपको इंग्लिश आती है वेरी गुड, हिंदी आती है वेरी गुड, अगर दोनों में से कुछ नहीं आती तो यू हैव टू लर्न दैट. ठीक है, सो इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस है, तो मैंडेटरी लैंग्वेजेस है, सो प्लीज
यू नो ट्राई टू कम्युनिकेट. अगर लोग मुझसे पूछते हैं कि यू नो मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं उसे कैसे इम्प्रूव करूँ, आई कैन सजेस्ट यू विद यू नो यू गिव अ टॉपिक टू योर सेल्फ एंड दो या तीन मिनट तक उसको कंटिन्यूसली बोलो. दैट विल रियली 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 हेल्प यू गाइज. मेरा रियली रियली आप समझ गए कितना ज्यादा यू नो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली. ओके नाउ इफ यू गोना नेक्स्ट थिंग, आप सोचोगे चलो भाई आप तो इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गया, हिंदी भी आ गया, हम लोग को BMI क्लियर हो गया, हाइट क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया. मैम देखो मेरा सब क्लियर है बट मुझे मेकअप नहीं आता, अब मैं क्या करूँ. देयर वाज वन पर्सन इन द ज़ूम मीटिंग, उन्होंने मेरे को बोला कि मैम एवरीथिंग इज गुड बट आई डोंट नो हाउ टू डू अ मेकअप. एंड जनरली व्हेन आई स्टार्टेड इवन आई डिडंट नो कि कैसे मेकअप होगा, मैं कैसे करके जाऊंगी. सो अभी मैंने जो भी मैंने ट्रेनिंग करी है, जो भी मैंने नॉलेज इकट्ठी करी है, आई लव टू शेयर दैट थिंग विद यू. और आपको सिर्फ यूट्यूब पर जाना है और डालना है मेकअप बाय मानसी यादव, विल गेट द मेकअप और यू नो फॉर्मल क्लोथ्स बाय मानसी यादव, वॉट टू वेयर फॉर यू नो फॉर इंटरव्यू, विल गेट द वीडियो. आपको सिर्फ हर एक वीडियो कोई भी सोच में कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आता है, यू जस्ट हैव टू राइट दैट थिंग. उसके बाद आपको डालना है मानसी यादव को 110%. आपको सारी की सारी वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब पे, हर एक चीज जो आपके फोर्स आपके दिमाग माइंड में आती है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर क्या है, वो भी डाला हुआ है. हर एक क्वेश्चन डले हुए हैं, आंसर डले हुए हैं दैट वीडियो. ओके मेकअप हो गया, अच्छे से मैं सीख लिया, मेरे वीडियोस बनाई आप जरूर आके देखना उसको. सो एंड डू ट्राई टू फॉलो दैट एंड टैग मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड इफ यू नॉट ऑन माई इंस्टाग्राम इज मानसी यादव, आप टाइप करोगे आप आ जाएगा इंस्टाग्राम. एक क्राइटेरिया हर एक चीज देख लिया सब कुछ, वेन वी गुड टू गो. नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर हाउ टू अप्लाई, दिस इज द मेन थिंग गाइस, दिस इज द मेन थिंग कि कैसे अप्लाई कैसे करना है. अप्लाई करने के लिए यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है. अगर कोई भी एयरलाइन आपको फेवरेट है, एमिरेट्स फेवरेट है, कतर फेवरेट है, स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज, गो एयर, एनी यू नो गो फर्स्ट एंड सॉरी. सो इन सारी एयरलाइंस एयर इंडिया में वैकेंसीज निकली है. नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दैट, बहुत इजी तरीका बताऊंगी, टेंशन मत लेना ठीक है. चलो नाउ यू जस्ट हैव टू टाइप indigo.careers. सो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ कोई भी एयरलाइंस क्लिक जाना है, जस्ट टाइप द नेम ऑफ दैट एयरलाइंस एंड .careers डालना है. आप जैसे ही क्लिक करोगे सर्च होगा एंड द फर्स्ट सर्च विल कम. आप उस पर करियर पेज पे जाओगे उनके एंड आपको जॉब सारी निकल के आ जाएगी, जो भी यू नो रीसेंट जॉब्स चली होंगी वहां पर, जो भी उनका वेन्यू होगा, डेट होगा, हर एक चीज निकल के आ जाएगी. बहुत ही इजी क्राइटेरिया है. एंड स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने इसके रिगार्डिंग में भी वीडियो डाली हुई है कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू बाय मानसी यादव डालना, वो पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी आप लोग को ठीक है. सो टेंशन मत लेना, चीज पर जाए. अब हो गया आपका आपका इंटरव्यू का, अप्लाई करती हूँ, गोइंग फॉर द इंटरव्यू. मेन एक्साइटिंग पॉइंट इज यू टू कंडक्ट नाउ इंटरव्यू, देना तो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कहाँ से आपकी जॉब लग जाएगी. ना हमें जॉब लगने वाली, ना हमें यूनिफॉर्म मिलने वाली, ना हम शॉपिंग करने वाले. सो नाउ वी हैव टू क्लियर ऑल द इंटरव्यूज. नाउ इंटरव्यूज आर 4 rounds. अब 4 round होंगे, मैक डिपेंड करता है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, डेफिनेटली 4 से 5 round हो सकते हैं. फर्स्ट वुड बी योर PI round. डरना मत, भीड़ बहुत आती है पहली बात तो बता दूं, क्योंकि ऐसे होता है कि व्हेन यू सी योर 5000 से ज्यादा लोग भी आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए. इन द एंड इट गेट्स लाइक 30 लोग 100 लोग 100 30 15 ऐसे होते जाते हैं. बट नर्वस मत होना, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ एंड यू आर द बेस्ट आई नो ठीक है. सो डरना नहीं है. नाउ फर्स्ट इज योर PI round, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू. आपसे यू नो डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइंस इंटरव्यू ले रही है. एवरीबडी हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बुलाया आपको, 10 लोग बैठे हैं, दिल आस्क यू द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. एंड फॉर द क्वेश्चन आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो. अदरवाइज इफ यू वॉन्ट मी टू मेक अ न्यू वीडियो, आई डू दैट फॉर यू. ओके सो अगर फॉर एग्जाम्पल का PI round क्लियर हो गया पर्सनल इंटरव्यू, सो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एंटरिंग अ न्यू राउंड, सेकंड राउंड, दैट विल बी योर मेडिकल राउंड. इसके अंदर आपको चेक करेंगे आपके स्टार्स, मार्क्स, एवरीथिंग, योर यू नो फेस पे कोई मार्क वगैरह तो नहीं है, योर आई साइट, योर BMI, योर वेट, हाइट, एवरीथिंग आपको देयर गोना चेक. अगर आपको मेडिकल भी क्लियर हो गया तो ऐसे शोर शराबा हो जाएगा उसके बाद. तो अगर आपको मेडिकल भी क्लियर हो गया, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब. नाउ थर्ड राउंड इज योर GD round, दैट मीन्स अ ग्रुप डिस्कशन टू स्पीक डेफिनेटली, बट मोर देन दैट यू हैव टू लिसन दैट पर्सन राइट. You have to acknowledge the person. You have to listen what ऐसे group discussion का मतलब होता है group में लोग बात कर रहे हैं. You have to you know manage that crowd. आप कैसे काम करोगे group में, that you have to show. ठीक है mainly. So इन चीजों का ध्यान रखना आप definitely जब आप group discussion के लिए जाओगे. And there'll be a lot of topics definitely. I'll have already uploaded that video. वो video जाके जरूर जरूर देखना, जिसमें बहुत सारे मैंने GD rounds बताए हुए हैं. So do see that video as well. बढ़िया. Now अब आता है last round, that is your personal interview. अब ये मेन HR के साथ होता है आपका इंटरव्यू. इसके अंदर 1-on-1 इंटरव्यू होगा आपका लास्ट एंड फाइनल. उसके बाद तो भाई
जिंदगी बन गई आपकी. ओके नाउ योर पर्सनल इंटरव्यू. अब आप एक एक करके इंटरव्यू के लिए जाओगे एंड आई नो बहुत ज्यादा धक 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 हो रहा होगा उस टाइम पे. यू कॉन्फिडेंट, यू हैव टू स्माइल, यू डोंट हैव टू गेट नर्वस एट ऑल. सो ये सारी चीजें करने के बाद व्हेन यू गो फॉर योर पीआई योर पर्सनल इंटरव्यू, जस्ट वांट टू से दैट जस्ट 15 टू 20 सेकंड्स गोइंग टू मेक योर लाइफ. और आई नो यू विल डू इट. आई हैव दैट कॉन्फिडेंट इन यू. आई नो यू and all the other very very best. I'm going to ask you a very easy and subtle question. You know, tell me about yourself or any basic question. और questions के regarding मैं I've already made the video. So आप वो videos भी जाके देख सकते हो कि क्या क्या questions आते हैं interviews में. So yes, अगर आपने personal interview भी clear कर लिया है तो definitely आप हो जाओगे select और उसके बाद आप मुझे दोगे party. I think so. दे दोगे ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन बता देना. सो आई होप आपके सारे चारों राउंड क्लियर हो चुके हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन हो. चीजें भी खत्म नहीं हुई, कैबिन तो नहीं बनी होगी अभी, चीजें और स्टार्ट होने वाली है. बिकॉज बिफोर गेटिंग दैट यूनिफॉर्म यू हैव टू स्टडी अलॉट, यू हैव टू स्टडी अलॉट. क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था यार इतना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती बेटा इतना पढ़ लो कि आईएएस वाईएएस बन जाओगे, क्या इस चीज में लगे हो. सो इसलिए बोल रही हूँ, तो यू हैव टू स्टडी अलॉट. सो बिकॉज आई टेल यू फॉर क्लियरिंग ऑल योर एग्जाम्स, 100 मार्क्स एग्जाम होगा, 90 मार्क्स इज अ पासिंग मार्क्स. सही सो 90 इज योर पासिंग मार्क्स. जहां हम स्कूल में इसको टॉपर समझते थे 90 मार्क्स लेके आए सब्जेक्ट में, और यहाँ पर 90 मार्क्स बस पासिंग मार्क्स, और नहीं आए देन डन. सो और अगर और आपके बैच चेंज कर देते हैं उसके बाद, तीन बार चीजें होती है, दे टेल यू गिव यू चांस फॉर थ्री चांस. अगर आपकी तबीयत नहीं हो पाता है देन आपको रेलीगेट कर दिया जाता है, रेलीगेशन मतलब परमानेंट रेलीगेशन हो जाता है. नाउ आफ्टर दैट आपके जो मनी आपने जो सबमिट किया होता है ट्रेनिंग के टाइम पे वो रिटर्न नहीं होता. दैट इज अ मेन थिंग आई वांट टू टेल यू. और या अगर आपका इंटरव्यू सब कुछ ट्रेनिंग अच्छे से हो गई थ्री मंथ एंड यू वेंट वेल फॉर ऑल द एग्जाम्स, यू क्लियर ऑल द एग्जाम्स, यू गेट द यूनिफॉर्म, आपकी ग्रेजुएशन होती है एंड यू स्टार्ट फ्लाइंग, यस यू गेट योर विंग्स. सो यस. और अगर मैं बात करूँ गाइस, डू यू नीड टू ज्वाइन एनी द इंस्टीट्यूट फॉर बींग अ क्रू? नो, दैट इज अ नो आंसर. बिकॉज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बताया, और क्राइटेरिया मैंने कहीं नहीं बोला था उसके अंदर कि अगर आपने ध्यान से सुनी हो पूरी वीडियो कि यू नो यू डोंट हैव टू ज्वाइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर गोइंग फॉर एनी ऑफ द इंटरव्यूज. सो यस, अब कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना. और रही बात अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइंग, येस यू डू इट. ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करोगे तभी इंटरनेशनल फ्लाई कर सकते, नथिंग लाइक दैट. यू कैन फ्लाई इंटरनेशनल एज वेल, और बहुत ही अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करोगे डेफिनेटली. चिड़ाना मत स्टोरी डाल डाल के, पर मैं भी आपको किसी ना किसी दिन जरूर मिलूंगी आपको. ओके नाउ इफ आई गो अहेड अबाउट सैलरी, सैलरी इज रियली रियली नाइस एंड आपको सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पे ही मिलना स्टार्ट हो जाती है. और सैलरी की स्पेशल, व्हाट वाज माय फर्स्ट सैलरी, द लॉट ऑफ पीपल वाज आस्किंग अबाउट दैट. सो आई एम गोइंग टू पोस्ट दैट वीडियो आफ्टर दिस, सो डू सी दैट वीडियो एज वेल. एंड अगर मैं बात करूँ स्टाफ ट्रैवल, सो येस दैट इज अ वेरी great thing that you don't have to wait for, you don't have to do the, that's all free of course when you fly. But when you think ki chintu mintu gintu sabko bula lu sab fly karenge saath mein, not possible. kyunki aapke sirf aur sirf blood relation ke jo log hote hain sirf wo hi aap log sath fly kar sakte hain. and blood relation ka matlab main bataun, so mom dad and after you if you get married also, so aapke your husband your children can fly with you. And only the taxes you have to give. So I hope this is a really great thing which I really love. And बहुत अच्छा लगता है when you fly. Mom, आपको कैसे लगा था when you fly for the first time? She was very scared, man. She was very scared. मम्मी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी. But कैसे लगा था staff travel पे करके? बहुत अच्छा लगा था. Yes. आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर जरूर हेल्प करेगी. एंड फाइनली आपको विंग्स मिल चुके हैं, आप फ्लाई कर रहे हो. यस, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. और अगर आपको वीडियो हेल्प करी और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल लगी तो चैनल लोगों के साथ डू सब्सक्राइब टू चैनल बिलो, बिकॉज आई रियली नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड लव. एंड सी यू ऑल ऑफ यू, ऑल माई फ्यूचर कैबिन क्रू, आई लव यू सो मच एंड ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.